दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं नथाटा, जो कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू से 1.5 घंटे का रास्ता है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल यू नो हॉलीडे डेस्टिनेशन, बहुत ही प्यारी जगह है। सबसे अच्छी बात इस जगह में ही है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हम कहाँ पे हैं। मैं थोड़ा सा अपना विंडो खोल के एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कि जगह लगती कैसे है। सो ये देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं, और ये इनका डॉगी है। वाह दोस्तों, ये ऐसे हैं, वह बहुत वफादार चीज़ है ये। सो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने बोला हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ गया, बट हाँ वेदर इज़ ऑलमोस्ट क्लियर नाउ। ताकि इतना क्लियर हो चुका है कि मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखा सकता हूँ, आपको यहाँ की पिक्चर्स दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से आसपास का जो नज़ारा है वो दिखता कैसे है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वेदर। मोस्टली फॉगी ऑल अराउंड, बट ये देखिए। यहाँ से पत्नी टॉप जो है 8 किलोमीटर है, यानी कि नथा टॉप से हम लोग वापस जा रहे हैं। सो ये जो रूट है बेसिकली हम लोग आपको दिखा रहे हैं, वापस जाते समय जो रास्ता है, वापस जाने का रास्ता जो है ऐसा है। और आप वेदर खुद ही देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब इट इज़ सो कोल्ड हेयर, इतना ज़्यादा ठंड है कि नॉर्मली जब हम जम्मू से चले तो हम टी शर्ट्स पहन के आए थे, बट यहाँ आके हमें जैकेट्स जो तो हम कैरी कर नहीं रहे थे, बट हाँ हमने कुछ शर्ट शर्ट्स कैरी करी थी, वो पहन के थोड़ा अच्छा लगने लगा है। बट स्टिल इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर यार, मतलब हम सोच के नहीं आए थे कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, बट आई थिंक वी आर एंजॉइंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है। फीलिंग द वेदर यार, आई थिंक आप फुटेज में खुद ही देख सकते हो। और ये जो है ये मई के महीने में पूरे देश में इतनी गर्मी होती है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ऐसा वेदर देखने को मिलता है। और ये हमारे दोस्त हैं, अभी सोने की कोशिश कर रहा था मेरा भाई, इतना अच्छे खूबसूरत वेदर है और इनको नींद आ रही है क्योंकि काफ़ी वहाँ पे इतना कोजी फील कर रहे थे हम लोग, और अब जाके हम लोग अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एकदम फ्रेश होके, फिर हम आपको पत्नी टॉप का व्यू दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पेड़ देख रहे हैं गगन, ये कौन से पेड़ होते हैं जो लंबे लंबे दरख्त हैं? देवदार देवदार और चीड़ के पेड़, जो कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हम लोग चीड़ बोलते हैं। इनका बेसिकली जो यू नो इम्पोर्टेंस है, ये पेड़ की जो हवा है ना इतनी ठंडी होती है, अगर नॉर्मली आप समर के वेदर में भी यहाँ आते हो तो इनकी हवा इतनी ठंडी होती है। आई मीन दिस इज सो अमेजिंग गाइज, हाय 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 हाय, मजा आया गाइज, ये जो व्यू है ना जिंदगी में मेरा भाई कह रहा है ऊपर उठा ले, हाय हाय हाय। सो हाय वेलकम बैक दोस्तों, फ्रेंड्स हाउ आर यू। सो ये रास्ता है वापस आते समय, आप देख सकते हो कि ना सो पीसफुल, कितनी शांति है। और जो मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इनको देवदार और चीड़ के पेड़ बोला जाता है यहाँ पे। इन पेड़ों की खासियत ये है कि नेचुरली ना इनकी हवा बहुत ठंडी होती है, बिकॉज इनका शेप यू नो, इनका जो लुक है, एक बार देखिए कैसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं यू नो। और सबसे ज़्यादा खासियत इम्पॉर्टेंस जो है इनकी, बहुत ही ठंडी हवा फेंकते हैं। अगर आप नॉर्मली एक समर की वेदर की बात करते हैं, जब आप समर में भी कभी आओगे तो समर में भी वेदर ठंडा ही रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि समर में गर्मी होती है, समर में भी ठंडा रहेगा। बट आज का जो मैं वेदर बोल रहा हूँ, मई का जो वेदर है, आज की तारीख का वेदर, इट्स एक्चुअली यू नो फॉग ऑल अराउंड, पूरी आसपास फॉग है हमारे, और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। दूसरे भाई लोग हैं जो यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं,
भाई साहब अपने चैनल का नाम तो बताइए एक बार। दर्शन जी वॉयलिस्ट है यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए। आई थिंक ये आर्मी की कोई गाड़ी है, एक्सीडेंटल गाड़ी है जो। बाप रे बहुत बुरा हाल। गाइस वेलकम टू पत्नी टॉप, वेलकम टू पत्नी टॉप। सो ये जो एंट्री है पत्नी टॉप की है, देखिए। हाँ सो यार रुकने से बात करेंगे। हाँ जी भाजी क्या हाल चाल? मेरी यार ये कटी हुई है भाजी, क्या हिसाब है भाजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई है हमारे, धीरज उनकी पार्किंग है। धीरज भाई की पार्किंग ये? नहीं नहीं, श्रीनगर वालों की। तो पार्किंग फ्री है क्या? सो गाइस यहां में पार्किंग देना पड़ रहा है 40 रुपीज अंदर जाने के लिए। सो ये बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, आपको टिकट कटवानी पड़ेगी तभी आप अंदर जा सकते हैं। वेलकम टू पत्नी टॉप, वेलकम टू पत्नी टॉप, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। झूठ बोलते हैं वो, पहले बात करनी चाहिए ना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, जो हमारा रुकने का इंतज़ाम है वो हो चुका है, यानी कि आज की रात हम लोग कहाँ गुजारने वाले हैं। ये बेसिकली एक हट है। चलो मैं आपको पहले तो रूम का टूर करवा देता हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की हट्स होती हैं वो कैसी दिखती हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हट्स एक्चुअली दिखती कैसी हैं अंदर से और बाहर से कैसी है। तो ये एंट्री है और ये हट ऐसी दिखती है, ठीक है, और आसपास का जो व्यू है ये सब ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो गाइस चलिए, ये हमारा आया। सो सबसे पहले ये हमारा अंदर का रूम है। सो इट्स बेसिकली ये 2 BHK हट, ये अंदर से ऐसे दिख रही है और यहाँ से दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल गाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक एनीबडी कैन लाइक इट, ओके, ए फैमिली कैन ईजली स्टे हियर। सो यहाँ पे आपको ये सब मिलने वाला है, डाइनिंग टेबल, ये सोफा सेट और ये दो चेयर्स, और टीवी के साथ साथ आपको हीटर्स भी मिलता है यहाँ पे, रूम हीटर्स भी मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे हमेशा वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। और पहला रूम के बाद ये जो आपका डाइनिंग एरिया का व्यू है ऐसा दिखने वाला है। चलिए तो दूसरा रूम कैसा दिखता है, आई थिंक सेम वैसा ही दिखेगा, बट हाँ ये है दूसरा रूम का व्यू गाइस। इट इज़ वेरी कोजी एक्चुअली, यू नो, ये रूम मैट्स यहाँ पे लगाए हैं, आपको सर्दी का एहसास यहाँ पे नहीं होने वाला है। और साथ साथ सबसे बढ़िया ये किचन मिलेगी आपको, यहाँ पे सब ज़रूरी सामान मिलेगा, गैस मिलेगी, सिलेंडर मिलेगा, ताकि आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ से व्यू ऐसा है, ये एक रूम हो गया 1 BHK, एंड दिस इज अनदर रूम, सेकेंड रूम, और ये हमारा बाहर का जो नज़ारा है, दिस इज द बेस्ट पॉइंट, दिस इज द फेवरेट पॉइंट ऑफ दिस हट। लुक एट द वेदर गाइस, ये इतना क्रेजी वेदर होने जा रहा है, जैसे जैसे शाम हो रही है वेदर इज गेटिंग मोर अमेजिंग, फॉग ऑल अराउंड। सो हम लोग इंतज़ार करें हमारे दो दोस्तों का जो कि गाड़ी से सामान लेके आ रहे हैं, और जैसे ही वो आते हैं फिर हम सेटल करेंगे अपने आप को और फिर जो इन्जॉयमेंट शुरू होगी रात की। ये हमारे दोस्त, हम लोग सब बैठे हुए, और ये हमारे दूसरे भाई हैं जो अपने चल भाई लोगों व्लॉगिंग करते हुए अपने वीडियोस देखते हुए कैसे वीडियो बने हुए हैं भाई। आपको ना सबको अपनी माता रानी की कसम लगी, छोड़ दिया भाई अपने, मैंने फोन छोड़ दिया है। देखो इन सब लोगों को ना कसमें डालनी पड़ रही है, फोन ही छोड़ रही है, इतने एडिक्टेड हो चुके हैं लोग आज की तारीख में। भारत पता के, भारत पता के,
तो गाइस वक्त आ चुका है रात के खाने का, रात को आज जो बनने वाला है भाई, दर्शन भाई क्या बनाने वाले हैं आज रात को? डिनर बनेगा, चिकन मसाला, चिकन मसाला बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, चकना लाए हैं और खाने पीने के लिए 2 kg चिकन किचन में पड़ा हुआ है। ओके, मैं प्याज और ये मसाले काट रहा हूँ, हरी मिर्ची, प्याज और ये सब, टमाटर भी है, दही भी है, मैरिनेट कर दिया सारे मसाले, ऐड होने वाले हैं। ओके, बस अगले 15 मिनट में चिकन का बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसे मैं अपने हाथों से बनाने वाला हूँ, स्पेशल वन। सो ये जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका है और यहाँ पे राइस, ठीक है, जस्ट यू नो टेम्पररी बेस पे जो हम लोग ये काम कर रहे हैं आज। सो बस कुछ और वक्त और ये सब तैयार होता है। चिकन क्या हो चुका है आज, मेरे को अभी की अपडेट बताओ। बिल्कुल, अभी राणा चिकन बन चुके हैं। राणा चिकन एक बार आप दिखा सकते हैं हमें कैसा बनाया हमने? देसी चावल है यहाँ के पहाड़ों के, पहाड़ों की देसी चावल। क्या बात है, क्या बात है। एक बार हमें चिकन खोल के दिखाएंगे आप कैसा बना है। ओ वाओ, क्या बात है। हालांकि आधा हम खा चुके हैं इसमें से, बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट। और जो हमारे गगन वेज खाते हैं, जो कि आप चिकन नहीं खाते से दिखाते हैं, वाह हाय हाय, ये कौन सा पनीर है जी? ये पहाड़ी देसी मखनी, पहाड़ी देसी मखनी पनीर, वाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का अगला दिन हम लोग उठ चुके हैं, वक्त हो चुका है 9:30 के करीब इन द मॉर्निंग, एंड वी जस्ट गॉट अप और निकल चुके हैं चाय पीने। एकदम फ्रेश फील हो रहा है। गगन कल की रात कैसी थी, नींद अच्छी आई? मुझे तो बहुत बेहतर नींद आई है, मतलब हमें पता ही नहीं लगा कि सुबह कब होगी। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग पूरे दिन भर इतना पोल्यूशन, इतने लंग्स फील फ्री कर रहे हैं जैसे हम लोग। सीरियसली, लंबी लंबी सांसों, लंबी लंबी, तुम्हें और अच्छा लगेगा। आए हाय, भाई की चाय बहुत ही बढ़िया है, टेस्टी है, चीनी थोड़ी ज़्यादा है बट चाय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये हमारे भाई साहब आ रहे हैं, शायद इनको दूध नहीं मिला वहाँ पे नीचे, वो चाय पीने यहीं आ चुके हैं। भैया को चाय पिला दो मेरे भाई को। सुबह की चाय जब तक पी नहीं जाए तब तक मज़ा कैसे आए। सो दोस्तों, ये सुबह की चाय ख़त्म हो चुकी है, अब हम भरते हैं आगे क्या करने वाले हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो कि हम आपको दिखाने वाले थे कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट, आई मीन एशियाज़ लॉन्गेस्ट टनल, 9.5 किलोमीटर्स, चन्नैनी नशेरी टनल। और ये जो ऊपर बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं आप, इन पहाड़ों को काट के ये टनल बनाई गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, टनल के अंदर हम घुस चुके हैं और सबसे यू नो इस टनल के अंदर बहुत सारे इमरजेंसी पॉइंट्स हैं। अगर आपको आपकी गाड़ी बीच में ख़राब हो जाती है तो ये जो लेफ्ट में देख रहे हो आप, फ़ोन कॉल करने के लिए टेलीफोन बूथ्स हैं, SOS यानी कि एमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग। और इट इज़ ए वन वे टनल, तो जो भी अगर यहाँ कर अगर आप आते हैं तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाइए, बिकॉज देखो दो यहाँ तरफ एग्जिट्स हैं, आप कभी भी एमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे अंदर जाके कॉल कर सकते हैं एग्जिट पॉइंट्स पे गाड़ी खड़ी करके। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बीच में यहाँ पे रुकते हैं इस टनल के बीच, कभी भी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए वो अलाउड नहीं है, 1 मिनट में ट्रैफिक वाले यहाँ आ जाते हैं और आपकी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत इंजीनियरिंग का एक कमाल है, इंजीनियरिंग का एक खेल है इस टनल को बनाने के लिए। 9.5 किलोमीटर की टनल बनाना और उसके बाद आपको इतनी सेफ्टी से दूसरी जगह पहुँचाना, इट्स ऑल इंजीनियरिंग गाइस। लुक एट द परफेक्ट व्यू, चन्नैनी नशेरी टनल गाइस, amazing piece of engineering.
दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं द एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस टनल। या सो 9.5 किलोमीटर हमने कवर किया और बस अब वक्त आ चुका है बाहर निकलने का। तो आपको बाहर का नज़ारा दिखा दें कि बाहर निकलते समय यहाँ का व्यू कैसा है। पहाड़ों की वादियाँ, इतने बढ़िया रोड्स और ऊपर से वेदर जब अच्छा हो तो यार ट्रैवल का मज़ा ही अलग है। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मई का महीना है और वेदर इज़ सो अमेजिंग, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार मई के महीने में हम ट्रैवल कर रहे हैं। और जितना पहाड़ों पे अंदर आप जाते रहेंगे, जितना ऊंचाई पे आप जाते रहेंगे, वेदर और ठंडा होने वाला है। ये प्रेम दी हटी, आपको ये यहाँ से पत्नीटॉप से जम्मू जाते समय बहुत सारे कॉर्नर्स मिलेंगे। यहाँ पे हड्डी है, पूरा देसी घी का आइटम लग रहा है मुझे। देसी घी है ना भैया? कितना टाइम हो गया प्रेम स्वीट्स को, आज कितने साल हो गए? ये हमारे 1925 की है। और आप किस चीज के लिए मशहूर हो, अगर आपसे पूछा जाए तो किस चीज के लिए मशहूर है आप? चॉकलेट का लगन। ओके, और ये बनता किस तरीके से, लाइक क्या क्या डाला जाता है इसमें? मैदा, बेसन और शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी। तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप खाएंगे भी तो आपको पहली जो फील आएगी वो ये फील आएगी कि आप शुद्ध देसी घी फील है। ये भैया हमें टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट करा दे। और इसमें फील ये है कि शुद्ध देसी घी होगा, ये हम ट्राई कर रहे हैं आज। तो ये खा के ऐसा फील हो रहा है ये प्योर फॉर्म में देसी घी जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए हर गाड़ी जो ऊपर से यहाँ नीचे जाएगी यहाँ पे हमेशा रुकेगी। कहाँ जा रहे हैं भैया? ये जो स्पेस है ना जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो प्लेस है वो बहुत ही डेलीशियस कलारी जिसको बोलते हैं यहाँ की देसी भाषा में, वो है। मैंने कल यहाँ से जाते वक्त ही खाई थी और जब मैं वापस आ रहा हूँ पत्नी टॉप से जम्मू की तरफ, तो ये जो मैं दोबारा से टेस्ट करना चाहूँगा। सो कहते हैं कि अगर जम्मू से पत्नी टॉप जाएँ या उधमपुर की तरफ आए और खजूरिया कलाड़ी पॉइंट में ना आया जाए तो फिर वो ट्रिप करने का फ़ायदा नहीं है गाइस। इनका जो है ये, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग डिश है। दूध को काट काट के बनती है और एक बार आपने खा लिया तो आपको एक एडिक्शन हो जाएगी। हमें तो हमेशा की एडिक्शन है, हम हमेशा कभी भी आते हैं ये मिस नहीं करते यहाँ पर कलाड़ी खाना। और ये लोकेटेड कहाँ पर, जगह कहाँ पर, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। उधमपुर से मुश्किल से कोई 20 मिनट का रास्ता है टूवर्ड्स पत्नीटॉप जाते हुए, और ये व्यू है। ये एक छोटा सा ब्रिज है और खजूरिया साहब की दुकान वो साइड पे है। तो खजूरिया साहब ये बताओ, अच्छा आपका नाम तो खजूरिया है ना? जी जी बिल्कुल सर, खजूरिया साहब, खजूरिया गगन खजूरिया। और ये भी खजूरिया जी का कलाड़ी पॉइंट है। ओके, तो क्या है मतलब डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा सा? बिल्कुल, हम खजूरिया जी के नाम से आप कहीं भी डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, अभी आप कलाड़ी बना रहे हैं? ओके, सो दोस्तों ये एक्चुअली ये तरीका कलाड़ी बनाने का, ये बन रहा है बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाई जा रही है। और इसकी जो खुशबू है, असली मैं तो उसकी खुशबू का फैन हूँ यार, और आप भी अगर खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जनरली लोग बोलते हैं कि भी किसी चीज़ को पसंद आती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से उसको चीज़ टेस्ट करते हैं। तो ये देखो, फाइनली कलाड़ी बन के बाहर आ चुकी है। और बनती कैसे, इसको रैप पीस में किया, ब्रेड के दो पीस में रैप किया जाता है ताकि आपको और टेस्ट आए खाने में। वाह, तो फाइनली कलाड़ी आ चुकी है। और कैसे रैप होके आई है, ये ब्रेड के दो पीस हैं इसके बीच। वाह यार दोस्तों, इट इज़ लुकिंग यमी यार, मुझे तो बहुत यमी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे दोस्त के मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो भाई? और ये भाई साहब भी तैयार है खाने के लिए। हेलो, ओ हाय हाय हाय। सो चलिए खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। We'll be right back.
दोस्तों यहाँ पे आई थिंक एक एक्सीडेंट हो चुका है ट्राले का, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ट्राला बोलते हैं। ये पूरा उल्टा हो गया और उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है, देखिए एक्सीडेंट। और ये रोड वहाँ से बंद कर दी है और आई थिंक हमें अब यही रोड लेनी पड़ेगी कंटिन्यू। एक्चुअली हमारे जाने का रास्ता वो था और हम इस रोड से जा रहे हैं। जम्मू की तरफ, जम्मू कठुआ का रास्ता, कटरा का रास्ता यहीं से है, यानी कि ये उधमपुर की जो एंट्री पॉइंट है यहीं से है। पत्नीटॉप से अगर आप आते हैं तो ये जो राइट में रोड जा रहा है उधमपुर की तरफ जा रहा है, बट हम लोग सीधा जाएंगे क्योंकि हमें जम्मू जाना है। दोस्तों देखो हम लोग तो ड्राइव कर रहे हैं बट ये हमारे पीछे जो दोस्त हैं ये पता नहीं सोने की कोशिश में है। क्या हो गया भाई? हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नींद आ रही है हमें, मीठी मीठी पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से हमें एक मीठी मीठी नींद आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनते हैं। तो दोस्तों ये वर्ल्ड क्लास जो रोड्स होती हैं पहाड़ों पे, एक्सप्रेस वे टू जम्मू, जम्मू से पत्नीटॉप या कश्मीर जाओ तो आपको ये नज़ारा मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। इंजीनियरिंग की बेमिसाल एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करी है इन लोगों ने। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है ये, मतलब बहुत हिल स्टेशन पे हम जा चुके हैं, घूमे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, पर जो फीलिंग यहाँ पे है ना रोड्स को लेके, रोड्स के आगे पीछे जो व्यूज़ हैं, पहाड़ हैं, लोगों के घर बने हैं, जिस तरीके की इंजीनियरिंग है, जिस तरीके का कमाल है और जो काम गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने किया है, बहुत ही बेमिसाल है यार। आई एम इन लव विद दिस प्लेस जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू बेसिकली में है, इस समय जम्मू में है और जम्मू जाने के रास्ते में वापस पत्नीटॉप से जम्मू जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट यू नो वेदर इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। और सबसे कमाल की जो चीज़ हुई है हमारे साथ इन दो दिनों में कि भगवान ने जो मौसम बना रखा है, जो वेदर जिस तरीके का है, बहुत ही कमाल का है। तो आइए हमारे जम्मू में आइए, इंजॉय करिए वेदर को, इंजॉय करिए यहाँ के रोड्स को, इंजॉय करिए। इट्स गोइंग टू बी अ कम्फर्टेबल जर्नी। When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in the... So, अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा हॉल्ट लेने का और हम रुके हैं रास्ते में। एक्सप्रेस हाईवे के बीच हमें एक जगह मिली जो कि बहुत ही शांत थी, बहुत ही पीसफुल थी, तो हमें लगा क्यों ना वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इट्स ए पहाड़, बेसिकली हिल। थोड़ा ट्रैकिंग करके नीचे से हम आए हैं, नीचे से ट्रैकिंग करके ऊपर आए हैं। या दिस इज़ एक्सप्रेस वे, बट बहुत ही यार फीलिंग है, मैंने दिस ए ब्यूटिफुल फीलिंग हेयर एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द वेदर इज़ सो ब्यूटिफुल, आई एम लविंग इट यार, सीरियसली मज़ा आ गया। और ये मेरे पीछे पहाड़ है जो कि आई थिंक कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाकों पर आते हो तो ट्रैकिंग करिए थोड़ा, वैसे एक सेहत के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, बॉडी को हमेशा ज़रूरत होती है। कहते हैं कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे जाने का इतना मज़ा नहीं होता जो सफ़र का मज़ा होता है। जब भी जाइए ट्रैवल का मज़ा लीजिए ताकि जो एक एक पल है, जो जो मोमेंट्स हैं, आप उनको कैप्चर कर सकें। और आज हम वही करने में लगे। कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन। जम्मू यहाँ से 9 किलोमीटर पठानकोट, 117 अमृतसर, लुधियाना, अंबाला, दिल्ली के लिए हम चल चुके हैं और हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो बहुत जल्दी मिलते हैं, वी आर बैक टू जम्मू नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, थोड़ा कमेंट्स भी कर देना और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सिटी के साथ।
थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल।